फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। ओके, आज मैं एक नई वीडियो लाई हूँ जिसमें हम नए तरीके का वॉल डेकोर बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, हमें वॉल डेकोर बनाने के लिए चाहिए जूट रॉप। ओके, ये मार्केट में भी मिल जाती है इजीली। एक सीजर, पेंसिल, कुछ कलर शीट्स। आप ग्रीन कलर की मैंने शीट्स लिया है, तो आप और भी शीट्स की ले सकते हैं। मैंने दो शीट ग्रीन शीट ली हैं। कुछ ऊन चाहिए हमें और कार्डबोर्ड। ओके, पहले हम कार्डबोर्ड से एक सर्कल कट कर लेंगे। तो मैं एक सर्कल की आउटलाइन ड्रॉ करती हूँ। ओके, इसको हम कट कर लेंगे। ये मैंने सर्कल कट कर लिया है और एक मैंने स्ट्रिप कट करी है इतनी छोटी। अब मैं लूँगी हॉट ग्लू गन, उसकी हेल्प से इस सर्कल के चारों तरफ ये चिपकाऊंगी। पहले मैं ये सी पेस्ट हो गया है। अब हम लोग इस पर ये जूट से इसको चारों तरफ से कवर करेंगे इस तरीके से। आपको इस तरीके से पूरी जगह इसको कवर करना है। ओके, देखिए ये हमने कवर कर लिया अच्छे से इसको अपनी हॉट ग्लू गन और इससे हेल्प से हमने इसको चिपका दिया है। अब हम लोग लेंगे ये जूट रॉप लेंगे और हम लोग ग्रीन शीट्स लेंगे अपनी। तो हम अपनी ग्रीन शीट्स को फोल्ड करेंगे। ओके, इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है और हम लीफ की शेप काटेंगे। ऐसे ही हम ग्रीन की भी, इस डार्क ग्रीन की भी कट कर लेंगे। इस तरीके से। और हम अपनी जूट रॉप लेंगे ये इस तरीके से और उस पर हम अपनी लीव्स को पेस्ट करेंगे। अच्छे से एक एक लीफ को इस तरीके से डाउनवर्ड ऐसे करते हुए। अब एक डार्क, इस तरीके से। ओके, ये मैंने देखिए सब पे लीव्स लगा दी हैं अपनी जूट रॉप्स पे। अब इनको हम साइड में रखेंगे और अब बनाएंगे पॉम पॉम्स अलग अलग कलर्स के। तो हम पहले लेंगे के अभी हम से कट। ओके, और अब हम मिडल से प्रेस करेंगे इसको और अब हम सर्कल में कट करेंगे इसको। एक पॉम पॉम हमारे रेडी है, इसी तरीके से हम और भी बना लेंगे। ओके, देखिए ये पॉम पॉम्स रेडी है हमारे। ओके, अब हम लोग ये अपना ये जिसको हमने कवर किया था ये लेंगे और अपनी अभी इन सबको प्लेस करेंगे। तो ये जो हमने कवर की थी लीव्स से उनको लेंगे और इस पर पेस्ट करेंगे।
तरीके से इसके अंदर ये हमने अपनी लीफ चिपका दी है। अब हम पॉम्पॉम्स लगाएंगे, तो हमें पॉम्पॉम्स इस तरीके से लगाने हैं कि ये इस जो हमने ये बकेट से बनाई है इसमें से गिर रहे हैं। ओके तो इसको हम ऐसे हमारे पॉम पॉम्स और हमने ये सब पेस्ट कर दिया। अब हम इसको हैंग टांगने के लिए इसके पीछे हम जूट रॉप लेंगे और उसको इसके पीछे लगा देंगे। और ये देखिए, सी इट्स रेडी।